या हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। क्या प्रियंका गांधी करती है राहुल गांधी से बेहतर पलटवार? क्या मोदी की बोलती बंद कर देती है प्रियंका गांधी वाड्रा? चुनावी सरगर्मियों के बीच ऐसे तमाम सवाल देश के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। अब चुनावी सवा है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जबरदस्त तरीके से जारी है। एक तरफ बीजेपी है जो 400 पार का टारगेट फिक्स कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन जो किसी भी सूरत हाल में अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहा है। पहले चरण की कम वोटिंग के बाद चुनावी बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे के बयानों को पकड़ पकड़ कर जमकर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का वो बयान पकड़ा जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स की बात कही। सैम के बयान के बाद पीएम मोदी ने बोला कि अब कांग्रेस की नजर माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। सुनिए। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों ना हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मंगलसूत्र पर पीएम के इस बयान के बाद पहले तो कांग्रेस कुछ वक्त के लिए बैकफुट पर आ गई, लेकिन फिर समूचे विपक्ष ने इस मौके को मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए सुनहरे अवसर की तरह देखा और 55 साल के इतिहास से जोड़ दिया। पीएम के बयान का करारा जवाब देने का जिम्मा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाला। उन्होंने बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस ने 55 साल में किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना है? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। इसके बाद तो जैसे प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने नोटबंदी का दौर भी गिनवाया और दिल्ली में बैठे किसान आंदोलन की मौतों का आंकड़ा भी गिनाया कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे, ले रहे थे आपसे? मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी, तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी, तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें।
शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। बेंगलुरु की रैली में प्रियंका के जोरदार पलटवार की अब हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। ना सिर्फ कांग्रेस नेता बल्कि विपक्षी दलों के तमाम नेता जमकर प्रियंका के बयान को वायरल करने में लगे हैं। इस लिस्ट में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक के नाम हैं। तो प्रियंका गांधी के बयान को शेयर करने के साथ साथ फायर जैसे इमोजी लगाकर सर्कुलेट किया जा रहा है। पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो याद होंगे आपको, उस दौरान भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री से सीधी टक्कर ली थी। कर्नाटक की रैलियों में प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मुझे 91 बार गालियां दी। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री तो कई देखे लेकिन ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। प्रियंका के इन फायर ब्रांड बयानों का नतीजा ये रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने हारी हुई बाजी भी जीत ली। वो चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आ गए और कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी। लेकिन प्रियंका के इन बयानों को देखते हुए अब एक नई बहस शुरू हो गई है, वो ये कि क्या मोदी के आरोपों पर पलटवार करने में प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बड़े भाई राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर है? क्या वो राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर तरीके से अपने विरोधियों पर पलटवार करती हैं? क्या जनता पर प्रियंका की बातों का असर राहुल से ज्यादा गहरा होता है? इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर देखते रहे श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।